हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स फ्लेवर्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कश्मीरी रेसिपी बसरक। बसरक जो है पुराने ज़माने में कश्मीर में जो है ये स्ट्रीट फूड हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ बेकरी शॉप्स में अवेलेबल होता है। पुराने ज़माने में जब किसी के घर जाया जाता था या अपनी बेटी के ससुराल जाया जाता था तो बड़े शौक से बसरक लिए जाते थे, या कभी कोई फंक्शन होता था, कोई गुड न्यूज़ होती थी तो मुबारकबादी के तौर पे बसरक भेजे जाते थे। आज मैं आपको इसी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बसरक बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा मैंने 4 कप लिए हैं, आप किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं, और शुगर भी मैंने 4 कप लिए हैं। ये मैंने घी लिया है, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, और घी के बदले आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने बादाम लिए हैं चॉप करके, ये नारियल लिए हैं, नारियल इस तरह से आपको बारीक काटना है, और ये मैंने यहाँ पे किशमिश लिए हैं, आप कोई और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बसरक बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बसरक बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे में घी मिक्स करते हैं। आप इसको थोड़ा नरम ही रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। आप इसको मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी इसमें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। ये इस तरह से मिक्स करते जाना है जब तक हमें इस तरह देखिए मुट्ठी बन जानी चाहिए, लेकिन मैं इसमें और थोड़ा ऐड करती हूँ। आपको घी की क्वांटिटी आप सोचेंगे मैंने नहीं बताई, लेकिन आपको जितना इसमें यूज़ हो जाएगा तो आप उतना ले लीजिएगा, इसकी कोई परमानेंट क्वांटिटी नहीं है। आप देखिए इस तरह आप सिर्फ मिक्स करते रहना है। घी जो है जब हाथों से मेल्ट करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए हमारा जो है ये तैयार हो गया, ये देखिए इस तरह से बननी चाहिए मुट्ठी, इस तरह। दैट मीन्स अब हम इसको गूंद सकते हैं, ये परफेक्ट हो गया। अब हम इसको पानी के साथ गूंदेंगे, और हमें पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ल्यूक वॉर्म लेना है थोड़ा कर करके, जिस तरह से हम आटे का डो बनाते हैं इसी तरह से अब बनाना है। डो हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इसको मैं ढक के रख देती हूँ। जब तक हमारा डो तैयार हो जाएगा तब तक हम चाशनी बनाते हैं। ये मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया, ये मैंने जो 4 कप शुगर इसमें मेजर करके रखे हैं ये मैं इसमें ऐड इसमें डालती हूँ, और 2 कप पानी, यानी कि जितनी हम शुगर लेते हैं उसका हाफ ही पानी लेना है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ, चाशनी हमारी बन रही है। देखिए चाशनी जब भी आप बनाएं इसमें आप 1 टेबलस्पून दूध ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे क्या होता है अगर शुगर में कोई इम्प्योरिटी होती है वो इससे ऊपर आ जाती है। अब कोई शुगर बहुत साफ होता है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। देखिए इस तरह से आप ये जितनी भी आ जाती है इम्प्योरिटी बाहर निकालनी है। अब आपको देखूंगा जब हमें चाशनी हमें चेक करनी हो कि हमारी चाशनी बनी कि नहीं। आप जो है 1 ड्रॉप किसी भी प्लेट पे इस तरह से डालिए
और जब तक ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसको इस तरह चेक करना है कि तार बन रही है नहीं। अभी नहीं बन रही है, दैट मीन्स अभी हमारी चाशनी नहीं बनी है। चाशनी हमारी तैयार हो गई। अब हम डो की तरफ जाते हैं। डो हमारा तैयार हो गया, ये देखिए। अब हम इसके गोल गोल पेड़े लेंगे। इसके आपको जितना बड़ा बसरक लेना होगा आप उतना ही बड़ा गोल पेड़ा लीजिए। पहले इस तरह से देख के कोशिश कीजिए ये जो चीज़ है ये ना आ जाए, इससे क्रैक्स आते हैं। अच्छी तरह से आप गोल कीजिएगा। एकदम आपको इस तरह से बॉल सी बनानी है आपको, क्योंकि ये हॉलो हमें बनाना, अंदर से बिल्कुल ये खोखला होना चाहिए। इस तरह देखिए, इस तरह करना है आपको, ये पतला बनाना है आपको खुद ही। इस तरह से कीजिएगा, ये एकदम आसान रेसिपी है। हाँ मेहनत तो इसमें है लेकिन बड़ी टेस्टी रेसिपी है। देखिए इस तरह से, आपने तो बसरा खाए होंगे ना, तो उसके अंदाजे से ही आप इसकी शेप इस तरह से आप बन, बस ये बन गया। देखिए अब हम दूसरा बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये आपको इवन करना है सारा ऐसे। इसी तरह शेप बनती जाएगी, इसको आप इस तरह से कीजिएगा। मैंने एक साथ बना के रखे, मैंने बड़े से पैन में तेल लिया। तेल आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है, आप जो है घी भी ले सकते हैं या तेल भी ले सकते हैं। घी में भी बहुत टेस्टी ये बनते हैं। और ये तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालती हूँ फ्राई के लिए। हमें अब धीमी आंच में फ्राई करनी है क्योंकि वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप एक चीज बनाते टाइम ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जो मोटा हो इसको थोड़ा थोड़ा अंदर से ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाना चाहिए, और कहीं पे मोटा रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इनको बना के रखते हैं थोड़ी ये बैठ जाते हैं, तो इसमें डालने से पहले थोड़ी शेप दे दीजिए। अब जब हमने इसमें डाले जो इनका होल है, देखिए इसमें ये गर्म तेल आप डालते जाइए, लेकिन धीमी आंच रखिएगा इस तरह से। हर तरफ से इनको हमें रखना है ऐसे। बहुत धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है, टाइम लगेगा इनको वैसे फ्राई करने में, लेकिन हमें पेशेंस रखनी है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन टेस्टी भी बनते हैं उतने ही, सेटिस्फेक्शन भी होती है। ये पूरे बाजार जैसे बनते हैं, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। इनको ऐसे हमें चलाते रहना है। आप घबराइएगा नहीं, इनको जो है फ्राई करने में टाइम लगता है। और जो है यहाँ से जो होल में ऐसे आप ऑयल डालते जाइएगा। और शुरू में अगर आपको, जब आप डालते हो ना, अगर आपको लगेगा कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर गैस को बंद कर देना है। और ये पूरी धीमी आंच पे ही मैंने तब से रखा है जब तक ये
हल्के ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इनको फ्राई होने देना है। और तेल हमें अच्छी क्वांटिटी में लेना है, उसे अच्छे फ्राई हो जाते हैं। ये सारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको चाशनी में डालती हूँ। चाशनी मैंने पहले ही बना के रखी, अगर चाशनी ठंडी हुई हो तो गैस जला के इसको गर्म करते हैं। अब मैं इनको चाशनी में डालती हूँ। इनको चाशनी में अच्छे से डिप करना है ताकि चाशनी अंदर से भी इनके जाए। देखिए आप पलटिए सारे चारों ओर, सारे साइड्स डिप होने चाहिए। अब हम इनको 5-6 मिनट तक इनको उबालेंगे, हम इसी में उबालेंगे चाशनी में ही। आपको बड़ा सा पतीला लेना है या आप कैसा भी आप लेंगे जिसमें अच्छे से ये डिप हो जाए। हमें इसी इस तरह से चाशनी में उबालना है बस रब को, क्योंकि मैंने जो जब मैंने मैदा गूंदा उसमें मैंने डो में मैंने बिल्कुल भी शुगर यूज़ नहीं की। तो ये जो है इस तरह से उबालने से सिर्फ जो है शुगर का टेस्ट अंदर तक जाएगा बसरक के, और इसे बहुत ही अच्छा खस्ता हो जाते हैं बसरक। ये एक प्रॉपर वे है बनाने का। मैंने ये जो है रेसिपी जो है सीखी है अपने एंसेस्टर्स से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी आपको लगेगी। जब चाशनी में उबल रहे हो बसरक तो आप इसको चम्मच हिलाते रहिएगा, वरना नीचे से लग जाने का खतरा है। अब मैं इनको ट्रे पे निकालती हूँ। ये जो है चाशनी सारी है हमें ट्रे पे ही निकालनी है। आप देखिए मैंने ये ट्रे पे निकाला सारा। आप इस पे जो है ये ड्राई फ्रूट छिड़किए। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये गर्म बहुत हो जाता है चाशनी इसकी, क्योंकि गर्म है ये चिपकने जाए इसके साथ। तब तक आप चलाते रहिए जब तक जो है चाशनी इस पे जम ना जाए। आप देखिए मैंने इसको ड्राई फ्रूट पे ऐड किया। आप जो ये चाशनी है इस पे इसकी लेयर चढ़ाते रहिए ऐसे। ये गर्म बहुत होते हैं इस टाइम, तो आप जो है आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ। ये देखिए ड्राई फ्रूट जो है ये चिपक जाएंगे चाशनी के साथ ही। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को आप, एकदम ट्रेडिशनल वे में मैंने बनाई है। बच्चे बहुत लाइक करते हैं बसरक, खासकर जो कोई भी फेस्टिवल होता है उस मौके पे अच्छे लगते हैं स्वीट चीज़ें। जब तक ड्राई हो जाए चाशनी तब तक आप इसको डालते रहिए ऐसे। देखिए बसरक हमारे तैयार हो गए, चाशनी भी सेट इन पे हो रही है सारी। ये चाशनी सारी इनको चाशनी से कवर करना है। मैंने ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दिए। अभी चाशनी गीली है और जब बसरक सूख जाएंगे
तो हम इनको सर्व करेंगे। बस रख तैयार हो गए, मैंने ये सर्व किए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।